बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ सेवेंथ क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 3.3 और क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 मतलब ये वाली आकृति जो दी है, का आलेख का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये अभी क्या कह रहे हैं, देखो पहले तो हम ये आलेख जो है उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं ये कुत्ते का बार है, ये बिल्ली का है, ये खरगोश का है। यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे सही से समझ में नहीं आ रहा है। डेफ्टर करके कुछ लिखा है, मैं नहीं जानती यहाँ पे क्या है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है अन्य, ये जो है वो हमारा, हम देख रहे हैं कि 8 तक जा रहा है तो हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ये जो है वो हमारा 10 तक जा रहा है तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे। ये हमारा 2 तक जा रहा है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ये हमारा जो है कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, 4 लिख लेंगे। और ये जो है हमारा 2 और 4 के बीच में मतलब 3 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हमने नंबर्स लिख लिए हैं। अब क्या होगा, हमें क्वेश्चन के आंसर देने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो दो क्वेश्चन हैं हमारे। पहला क्वेश्चन जो है ए वाला, ये कह रहे हैं कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, कौन सबसे अधिक लोकप्रिय का मतलब कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो सबसे ऊंचा बार हमारा ये बना है बिल्ली वाला, जो कि 10 नंबर पे है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे अधिक लोकप्रिय बिल्ली है। ठीक है, सबसे अधिक लोकप्रिय पशु कौन सी है, यहाँ पे दी गई है बिल्ली है। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया ए का आंसर। अब करेंगे हम बी का आंसर। तो बी वाला कह रहे हैं कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, तो हमने 8 जो है पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है, कुत्ता है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित दंड आरेख को पढ़िए। ये दंड आरेख दिया गया है जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर जो है, मान लो हमारा ये 1 सेंटीमीटर है, इसके कितने बराबर है, 100 पुस्तकों के बराबर है। ठीक है, इधर हमारी पुस्तकों की संख्या दी गई है, ये हमारे वर्ष दिए गए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा दंड आरेख बना हुआ है। ठीक है, तो आप जब इसको ग्राफ पे बनाओगे ना तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये आपके ग्राफ पे नहीं दिए गए होंगे, तो ये मैंने, मेरा तो ग्राफ है नहीं, तो मैंने ये ग्राफ से ये पॉइंट जो हैं वो ले लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको ये काम करना है ग्राफ पेपर पर। ठीक है, आपको चीटिंग नहीं करनी है क्योंकि ग्राफ पेपर पर सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है वर्ष 1989, 1990, 1992 में से प्रत्येक लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1989 लिख देंगे। फिर उन्होंने कहा है 1990 में बोला है, फिर उन्होंने कहा है 1992 में कितनी पुस्तक बेची गई। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1989 में बेची गई हैं 180, 1990 में बेची गई हैं हमारी 475 और 1992 में बेची गई हैं 225 और सबके आगे हम लगभग लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, लगभग लगभग। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला क्वेश्चन जो है ये कह रहे हैं कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई हैं, किस वर्ष में 225 पुस्तक बेची गई हैं। तो 475 पुस्तकें कब बेची गई हैं हमको बतानी है, पुस्तकें और 225 पुस्तकें कब बेची गई। तो 475 हमने यहाँ पे लिखा है 1990 में बेची गई हैं
और 225 बेची गई हैं 1992 में, ठीक है। इन्होंने 1, 2, 3 में दिया है तो मैं 1, 2, 3 ही लिख दूंगी, ठीक है। अब हमारा तीसरा जो है क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं, ठीक है। कितने से, 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1990 में हमारी बेची गई हैं, सॉरी 1989 में बेची गई हैं हमारी 180, और ये भी 1992 में हमारी बेची गई हैं 225, जो कि हमारे 250 से कम हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1989 व 1992 में 250 से कम पुस्तकें बेची गईं, ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा है, चौथा क्वेश्चन बचा है। तो चौथा क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे कर दूँगी, ठीक है, नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर दूँगी। तो आपको बता दें पहले तो हम अपने मन की बात, मन की बात हमारी ये है कि भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर लीजिए। हो सकता हो कि हमारा चैनल आपको ढूंढने से दोबारा मिले ना। अगर चाहते हैं कि हमारा चैनल बार बार खोजना ना पड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ आपके वीडियोज़ में शो होती रहेंगी। साथ ही साथ जब भी आप अगर बेल आइकन को टच कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब दूसरी बात है, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्या होगा कि प्लेलिस्ट में आपके हर चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। बहुत ही अच्छे से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको कुछ भी इधर उधर खोजना पड़ेगा ही नहीं, सब कुछ आसानी से आपको मिल जाएगा। हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। जब आप चैनल ऑप्शन पे जाएंगे, इन चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। और ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, शॉर्ट्स वाले में इंग्लिश जो डेली यूज की इंग्लिश है वो बताती हूँ। और ये हमारा साइंस का चैनल है, जिस 6 क्लास से 10 क्लास तक की साइंस जो है इसमें पढ़ाई जाएगी। ये हमारा डेली मतलब मैं क्या करती हूँ, कैसे कैसे मैनेज करती हूँ सब इसमें शेयर किया है। बाकी हमारे क्रिएटिव चैनल है, ठीक है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो हम किस प्रकार करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आसानी से। तो भाई हम कैसे करेंगे, हमको पता है, हमने आलेख को देख के ही तो किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आलेख को देखकर करेंगे, ठीक है। ये कह रहे किस प्रकार करोगे, हम लिख देंगे आलेख को देखकर करेंगे, ठीक है, ये हम लिख देंगे, इतना हम लिख देंगे। फिर ये कह रहे हैं कि बताना भी है, हम बता देंगे कि देखकर करेंगे, कि यहाँ पे लिख देते हैं कि 1989 में कितनी पुस्तकें बेची गई हैं, 180 पुस्तकें बेची गई, ठीक है, ये हम लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है क्लास जो है आपको समझ में आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।